थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आप इसे जानना चाहेंगे कि कान्हा के सबसे बड़े भक्त या फैन या जो कुछ भी कह लें उनमें बिलीव कौन करता है, आप में से कर कोई करता है? ऑफ कोर्स हम सभी करते हैं कृष्ण जी में बिलीव, बट सबसे ज़्यादा मेरे फादर करते हैं और उनका नाम ही ब्रजमोहन है। सो हमें बचपन में काफ़ी बार हमें मथुरा वृंदावन लेके जाते थे जी, दिल्ली से वहाँ से बहुत ही पास है। चलिए आपको लेके चलेंगे अगली बार। सो बचपन में काफ़ी जाते थे, तो जब आप कृष्ण जी के टेंपल जाते हैं तो वहाँ एक कॉमन चीज़ ये है कि वहाँ पर लोग गाते हैं और डांस करते हैं, एंड दैट इज़ सच अ ब्यूटीफुल क्वालिटी कि अगर डिवोशन हो तो वो म्यूज़िक और डांस के साथ होता है, एंड आई थिंक वही हमने कान्हा रे के थ्रू करने की कोशिश की है। हम तीन कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं और तीनों हम कान्हा के लव में हैं, तो मैं मीरा हूँ उसमें, आप देखेंगे सिंगर हैं, मुक्ति इज प्लेइंग रुक्मणी वाइफ ऑफ कृष्णा, एंड शक्ति इज प्लेइंग राधा। हाँ करेक्ट, आपको सब पता है जी। सो हम तीनों बेसिकली कृष्ण के लव में हैं और वीडियो में हम वही दिखा रहे हैं, और कैसे हम तीनों एक इमेजिनरी वर्ल्ड में कि कृष्ण आ रहे हैं और हम तीनों डांस करते हैं कृष्ण के लिए, एंड वी आर जस्ट इंजॉइंग एंड सेलिब्रेटिंग, दैट्स इट। हाँ जी, आपका नाम भी मुक्ति है। हाँ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम तीनों बहनें मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं, और जिसमें नीति जी ने गाया है, शक्ति जी और मैंने दोनों ने फीचर किया है, और हम तीनों मिलकर डांस कर रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि हम जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं डांस म्यूज़िक और एक भक्ति भाव ऑफ जस्ट इन्जॉइंग लव एंड हाउ joyous it is to love and just enjoying that. और कृष्ण जी के अलग अलग phases में उनके अलग अलग lovers रहे हैं, बचपन में राधा जी थी, फिर उनकी रुक्मिणी जी थी, उसके बाद मीरा बाई, उन्होंने तो devotion क्या होता है उनकी कविताओं से, उनके संगीत से, साधना से उन्होंने पूरा define किया है। तो शी इज़ प्लेइंग मीरा, आई एम प्लेइंग रुक्मिणी एंड शी इज़ प्लेइंग राधा, एंड हाउ वी कम टुगेदर इन द एंड एंड देन परफॉर्म डांस एंड वी हैव दिस कॉलिंग, तो उसको हमने इस तरह से दर्शाया है कि 1.5 मिनट ऑफ डांसिंग इज़ देयर, एंड जिसको कोरियोग्राफ किया है कृति महेश ने, जिन्होंने कोरियोग्राफ किया था घूमर, और बहुत हार्ड कोर डांसिंग है, और नीति जी को पहली बार सब डांस करते हुए देखेंगे मुझे लगता है, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या रिस्पांस आएगा। और हम तीनों में से कौन नीति है, कौन शक्ति है, कौन मुक्ति है, कोई पहचान नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल से देख पाएंगे कि ये तो सब सेम ही लग रहा है। जी क्योंकि आपके बाल यहाँ पर लाइफ में तो आपके बाल छोटे तो थोड़ा पहचानना थोड़ा ईजी होता है, ऐसे भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। जी ऐसे होता है क्योंकि हम तीनों की ना आवाज़ सिमिलर है, फीचर्स सिमिलर है, थोड़ी सी कुछ चीज़ें कॉमन है, बहनें हैं ना इसलिए। नहीं लेकिन इस तरह से अगर एक वीडियो में हम राधा मीरा और रुक्मिणी को एक ही दिखा रहे हैं और हम दिखते भी एक हैं, तो एक तरह से दिखता है कि एक प्यार एक है, भले ही वो अलग इंसान कर रहा हो, तो इन अ वेरी पोएटिक फॉर्म दैट ऑल्सो ट्रांसलेटेड, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमें रोहितगढ़ जैसी जगह में हम कर पाए ये, जो बहुत साल पहले आप गई थी वहाँ पे ना। तो मैंने जब से कान्हा ने गाना रिकॉर्ड किया मुझे पता था कि ये गाना हम शूट करेंगे तो रोहितगढ़ जोधपुर के पास ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पर परफेक्ट लोकेशन है फॉर ऑल थ्री कैरेक्टर्स एंड डांस करने के लिए भी। सो बहुत मज़ा आया, और पूरी वीडियो टीम, म्यूज़िक टीम, हम सब ने अपना बेस्ट दिया है सब ने, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम की। ये म्यूजिक वीडियो कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, रिकॉर्डिंग से लेके शूट से लेके? एटलीस्ट 9 मंथ्स लग गए मुझे टू पुट एवरीथिंग टुगेदर, राइट फ्रॉम द आइडिया, देन मैंने वोकल्स रिकॉर्ड किए एक बार रफ, उसके बाद उसको थोड़ा प्रोग्राम किया, फिर एक दिन सिर्फ रिदम्स और ये सब किया। सो बेसिकली म्यूजिक ही करने में 3-4 दिन लगे क्योंकि इट्स अ वेरी टफ सॉन्ग, उसके बाद उसको मिक्स किया ही किया, फिर वीडियो प्लान करने में काफ़ी महीने लग गए कि क्या जगह करें, पहले बॉम्बे में हम ढूंढने लगे, नहीं मिला कुछ, फिर मुझे रोहितगढ़ से ज़्यादा अच्छी कोई जगह नहीं लगी, तो वहाँ फाइनल करना। उसके बाद हम तीनों की डेट्स ही नहीं मिली, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, सब निकल गया, 4 मंथ्स हो गए, देन मुझे लगा मैं शायद छोड़ देती हूँ, एंड देन एक दिन
पता नहीं ऐसे लगा कि शक्ति बोली आपको क्या करना ही नहीं है शायद, मैंने कहा नहीं मुझे करना है, तुम लोग सब बहुत बिजी हो। फिर मैंने कहा नहीं अब मैं डेट करूँगी डिसाइड, तो अब ये चाहे कोई आए या नहीं आए मैं जा रही हूँ शूट करने। सो तभी हुआ ये, इट वॉज वेरी टफ, क्योंकि कभी मुक्ति बिजी है विद समथिंग और फिर उनका लुक वैसा रहता है, फिर कभी शक्ति इज़ बिजी, कभी मैं ही यहाँ पर नहीं हूँ, महीनों महीनों बाहर है शोज़ के लिए। बट हो गया, वेरी हैप्पी एंड सभी का बहुत प्यार आ रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है गाने को लेकर, और वो सब बोल रहे हैं कि कुछ नया देखा हमने, बहुत बहुत टाइम के बाद कुछ इंडियन कथक है, ट्रेडिशनल है और बहुत प्योर है। तो मुझे लग रहा है कि थैंक यू, क्योंकि यही हम सब करना चाह रहे थे, और अगर ये लोगों तक ये बात अगर बात पहुंच गई है तो दैट मींस हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया है, कान्हा रे सक्सेसफुल। आप दोनों की तरफ शक्ति नहीं है, वो बाहर बिजी है। आई एम मिसिंग हर सो मच टुडे, आई एम मिसिंग शक्ति, वी आर मिसिंग हर सो मच। वो तो एक्चुअली वहाँ पे 2:30 बज रहे थे व्हेन वी कॉल्ड हर, शी वाज स्टिल अप एंड एक्साइटेड कि कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है। हम लोग चाह रहे थे कि उसके साथ इंटरनेट पे फेसबुक लाइव करें या आप लोग के साथ उसको कुछ तरह से कोई टेक्नोलॉजी से लेकर आए लाइव, बट देन धीरे धीरे वेट करते करते इट बिकेम 3 AM फॉर हर इन कैलिफोर्निया। तो देन शी लाइक चलो मैं आती हूँ वापस और फिर हम लोग साथ में फिर से कुछ करेंगे। सो शी इज़ बैक इन 10 days, फिर कुछ करेंगे। आई थिंक पीपल आर काइंड, काफ़ी अच्छा मिल रहा है, वो एक्साइटेड हैं तीनों बहनों को साथ में देखने को। उनके लिए ये बड़ी एक्साइटिंग बात है कि तीनों बहनें हैं, तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, बट एक म्यूजिक वीडियो के लिए तीनों साथ आए हैं और तीनों ने कुछ अलग किया है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल द फैंस। अच्छा, इसके अलावा हम आप तीनों सिस्टर को कभी ऐसे फिल्मों में देखेंगे? आप बनाएंगे? आप बनाएंगे, हम आएंगे। बना ही नहीं रहे आप तो अब खुद मथुरा जाने की बातें कर रहे हैं, आप बनाओ। अरे वाह, क्या बात। अगर ऐसा कुछ आएगा फिल्म का तो क्यों नहीं, या वेब सीरीज हो या म्यूजिक वीडियो हो, करेंगे, आएगा तो करेंगे। आप वेब सीरीज, ज्योति फिल्म, ज्योति के साथ आप सब देखना। मुक्ति जी तो ऑलरेडी वेब सीरीज में काम करते हैं, तो शायद अपनी सिस्टर्स को भी ले लेट्स सी। और शक्ति मैम, जहाँ भी कुछ अच्छा करने का मिलेगा ना उससे चूकेंगे नहीं, हम लोग करेंगे जरूर। मुक्ति बनाती है, बेकिंग बेक वगैरह करती है कभी कभी कभी, आई मेक इट, बट बहुत साल पहले मैंने ऐसे 2-tier केक और ये सब बनाया था। नहीं, बट एक्सपेरिमेंटल सैलड वगैरह भी बहुत चला दीदी, ऐसा मैंने इसमें ये कर दिया आज, इट्स वेरी नाइस। आई थिंक सेंसरी ऑर्गन ज़्यादा एक्टिव है मेरे, तो आई जस्ट हाँ इसमें ये डालते हैं वो डालते हैं, बट वैसे कुकिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। वी जस्ट गो होम एंड कुछ बना के रख दो मम्मी, फिर खाते हैं। आई कैन नेवर डू व्हाट माय मदर डज, माय मॉम इज, मतलब जो हमारी माएँ कर पाती हैं हम लोग कर लें तो नहीं कर पाते, कमाल कर ले फिर तो। जाते जाते दो लाइन गा देते हैं। हाँ, कान्हा रे, कान्हा रे नंद नंदन परम निरंजन हे दुख भंजन कान्हा रे। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच।